गुड आफ्टरनून क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. ओके, इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर. द क्वेश्चन इज सेइंग ए बी सी आर पार्टनर इन प्रपोर्शन टू 3/6, 2/6 एंड 1/6. दीज आर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रेस्पेक्टिवली. डी वॉज एडमिटेड, डी का एडमिशन हुआ है इन द फर्म अ न्यू पार्टनर विथ अ 1/6 शेयर. ओके, now calculate the new profit sharing ratio. What the question is saying? Question is saying that ABC are the partners with a profit sharing ratio 3:2:1. Now B wants to admit in our partnership and B wants 1/6. That means out of 6, 1 share B want. Okay, अगर जितना भी profit होगा उसको हम 6 parts में divide करेंगे जिसमें से एक part B कह रहा है कि मुझे चाहिए. तो फिर उसमें से बच कितना जाएगा? बच जाएगा 5/6. ये बात समझ में आ गई? देखो डी कह रहा है, जब डी एंट्री ले रहा है तो डी कह रहा है कि पूरा प्रॉफिट कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 6 पार्ट में डिवाइड होगा जिसमें से वन पार्ट उसे चाहिए. तो फिर प्रॉफिट बचा कितना? 5/6. 6 पार्ट में से 5 पार्ट एज अ प्रॉफिट बच गया. तो ये प्रॉफिट अब डिस्ट्रीब्यूट होगा. किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए बी सी को. किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये रेशियो क्वेश्चन में दिया होता है. क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग में हैं तो रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम एज्यूम करेंगे कि वो अपने ओल्ड रेशियो में ही बांट लेंगे. इसका मतलब ये जो 5/6 प्रॉफिट बच रहा है ये तीनों पार्टनर ले लेंगे. ए ले लेगा, बी ले लेगा, सी लेगा. लेकिन किस रेशियो में लेंगे? ए अपने ओल्ड रेशियो में लेगा, दैट मीन्स 3/6 में. बी लेगा ओल्ड रेशियो में 2/6 में. और सी लेगा 1/6 में. क्लियर है? इसका मतलब ए का रेशियो होगा 5/6 का 3/6 ए ले लेगा, बी 5/6 का 2/6 ले लेगा, और सी 5/6 का 1/6 लेगा. ठीक है, ये 5/6 कहाँ से है? ये बचा हुआ प्रॉफिट है डी के एडमिशन के बाद. ठीक है, तो ए का कितना हुआ? ये हो गया 36, 5 3 15. ये हो गया 36, 5 2 10. और ये भी हो गया 36, 5 1 5. ये तो क्लियर हो गया 15 10 5, है ना? 15/10/5. लेकिन अभी डी तो है ही है. डी कितना मांग रहा है? डी कह रहा है 1/6. लेकिन इन तीनों का डिनोमिनेटर देखो 36 में आ रहा है. 36 36 36. लेकिन डी का किस में आ रहा है? 1/6. तो हमको डी का भी डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट टू ए बी सी करना पड़ेगा. इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय सिक्स करना होगा. तो डी का रेशियो आएगा 6/36. So what is the new profit sharing ratio? New profit sharing ratio is 15:10:5:6. A ka 15, B ka 10, C ka 5 aur D ka 6. Ye hai new profit sharing ratio. Ab dekho ye jo 36 denominator aa raha hai wo tally karega na. 15 + 10 + 5. 15, 15, 30 and 6, 36. Clear ho gaya? Thank you.